अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन पैटी बर्गर्स और ये हम सब चीज़ें हमारी होममेड हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है तो इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। उसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक का पेज जरूर लाइक करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास होममेड चिकन पैटीज हैं। इसकी ये आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। और होममेड हमारे बंस हैं, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं और ये पीछे भी बहुत अच्छे बेक हुए हैं। और ये हमने विदाउट ओवन बनाए हैं और ग्रिल किया हुआ हमने थोड़ा सा प्याज लिया है, थोड़े से हमने ग्रिल किए हुए टमाटो लिए हैं, थोड़ी सी हमने कोकम्बर ली है और सलाद पत्ता लिया है। ये मैंने साफ सा एक पैन ले लिया है और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला। ये हमने इसके अंदर अपनी पैटी डाल देनी है। दोनों पैटीज को हम शैलो फ्राई कर लेंगे। चलो, एक तरफ से इसका कलर चेंज होता है तो साथ ही फिर हम दूसरी तरफ इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, 1 मिनट में ही माशाल्लाह कितना अच्छा इसको कलर आ गया है। आंच मैंने मीडियम लो रखी है। आप अपने पसंद से इसके कलर ला सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी। लेकिन मैं इसको लाइट रखूंगी। हल्का सा हम ऊपर से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ से बहुत अच्छे से हमारे पैटी फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी सब चीज़ें रेडी हैं। तो अब हम इनकी असेंबलिंग करते जाएंगे बर्गर की। सबसे पहले हमने ये बर्गर को 2 हिस्सों में किया और ये देखिए ये माशाल्लाह कितना अच्छा बेक हुआ है, बिल्कुल अंदर से कच्चा नहीं है। इसको मैंने विदाउट ओवन आपको बनाना सिखाया। तो अब इसके अंदर सॉस लगाएंगे। ये सॉस भी हमारी होममेड है। तो अगर आप देखना चाहते हैं ये मैंने कैसे बनाई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। ये हम चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। अब इसके अंदर हम रखेंगे सलाद का पत्ता, इसको एक साइड पे कर देते हैं। और इसके अंदर हम अपने गरम गरम पैटी रखेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर ये मैंने किया था प्याज को ग्रिल कर लिया था, ये डाल देंगे। ग्रिल किए हुए टमाटोस, थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे कोल्सला। अगर आपको नहीं पता कि कोल्सला कैसे बनता है तो इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे है, आप वहाँ देख सकते हैं। थोड़े से हम इसमें कोकम्बर रखेंगे और इसके ऊपर हम ये लीफ रख देंगे और फिर थोड़ी सी हम इसके सॉस डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। अच्छा, अब आप चाहें तो आप बटर लगा के तो आप इसको बर्गर को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही सर्व करूंगी। इसी तरह मैं दूसरा भी बर्गर रेडी करके तो फाइनल लुक के साथ सर्व करके दिखाती हूं। देखिए, चिकन पैटीज बन के हमारे रेडी हो गए हैं और एक मैंने चिकन सैंडविच के तौर पर इसको बनाया है। और ये देखिए फुल मील है, फुल हमने बनाया, फुल ये भरा हुआ है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है और फुल जूसी है। तो जिस तरह से मैंने आपको बनाना सिखाया आप इसी तरह बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बाज़ार से बेहतरीन आप घर में बनाएंगे। तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कोई रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और फेसबुक के पेज को जरूर लाइक करें। तो इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।